नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट के मारुति सेगमेंट। और आज बाजारों पे चर्चा करने के लिए और हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ दिनशा ईरानी जी हैं। दिनशा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे और शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर, बाजारों की चाल जबरदस्त देखने को मिल रही है, भारतीय बाजार ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं। आई एम श्योर सभी इन्वेस्टर्स जो हैं इसकी खुशियां मना रहे हैं, पर अब से आगे की चाल आप कैसे देख रहे हैं? अगर हम निफ्टी 50 की बात करें या फिर जिस तरीके का पार्टिसिपेशन ब्रॉडर मार्केट्स में है, उस पे आपका क्या नजरिया है? श्रुति जी, पहले तो धन्यवाद आपको कि आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। तो श्रुति जी, ऐसा हुआ है कि जो हमारा बाजार है वो एक्चुअली बहुत रिलेट हो चुका है। आप देखें, अगर जो हिस्टोरिक देखें, पिछले 8-9 साल का एवरेज देखें पीई का, तो 18-19 का पीई हुआ करता था, जो अभी हमारा पीई हो गया है 23-24 का फॉरवर्ड अर्निंग्स। तो ये जो रीरेटिंग हुई है वो इसलिए हुई थी क्योंकि हमारी एक तो बैलेंस शीट काफी इंप्रूव हो गई थी, कोविड के टाइम में काफी क्लीन अप किया था, और दूसरा जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो काफी एक्साइटिंग हो गई थी हमारे लिए। लेकिन अभी आप 12 अभी इमीडिएटली देखें तो पिछले 2 क्वार्टर की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो एक्साइटमेंट थोड़ी नमी आ रही है उसमें, क्योंकि वो ग्रोथ रेट काफी हद तक नीचे आ गई है। तो इसलिए हमें थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है कि यहाँ से अभी रैली आने के लिए एक वापस एक पिकअप आना चाहिए अर्निंग्स ग्रोथ में, जो हमें लग नहीं रहा है। क्योंकि सितंबर का आप अगर जो क्वार्टर देखें तो वो 2/3 तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। तो जो बात करें आप कॉर्पोरेट्स वगैरह से, तो वो यही बोलते हैं कि डिमांड में काफी नमी है, जो रूरल में थी वो अभी थोड़ी अर्बन में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऑब्वियस है कि इतना एक्साइटमेंट जरा नहीं रहा है। और दूसरा, दिसंबर क्वार्टर की अगर जो हम बात करें तो मे बी वो क्वार्टर में आपको एक तो इंटरेस्ट रेट कट तो चालू हो ही जाएंगे होपफुली सितंबर में फेड के साथ, पर दिसंबर क्वार्टर की अगर जो बात करें, एक तो फेस्टिव महीना है लेकिन आपका जो बेस था वो काफी हाई था, तो इसलिए दिसंबर में भी आपको ग्रोथ रेट इतना एक्साइटिंग नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमें लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सेफ्टी की तरफ दौड़े तो अच्छा रहेगा ये बाजार। जी हाँ दिनशा सर, जो वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स हैं वो तो देखिए कई सारे दिग्गज जो हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं, पर बाज़ार अपनी चाल जो है खुद ही तय करते हुए दिख रहे हैं। पर ऐसे में क्या कोई नई थीम्स हैं जहाँ पे एज एन इन्वेस्टर आपको अभी भी लगता है कि मौके हैं, जहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशन हेडरूम अभी भी फिलहाल देखने को हमें मिल रही है? जी, एक जो नई थी हमने ये क्वार्टर में देखी नंबर्स के, मतलब जब नंबर्स चालू हुए तो हमें ये लगा कि शायद आईटी एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको एक सेफ्टी सी दिख सकती है, ग्रोथ दिख सकती है एंड रीजनेबल वैल्यूएशन भी है वहां पे। जैसे हमने पहले भी बोला हुआ था कि जैसे ही टीसीएस के नंबर्स आए, एक तो हम टीसीएस को एक बेलवेदर समझते हैं मार्केट में, जो आईटी के मार्केट में जो दिशा दिखा सकता है कि आईटी में क्या हो रहा है। ज्यादा बोलते नहीं है वो नॉर्मली, लेकिन आपको काफी करीबी से देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है उनकी एनुअल रिपोर्ट, उनकी जो कॉन्स होते हैं वो। तो उसमें हमें ऐसे लगा कि थोड़ा अभी लग रहा है कि डिमांड ग्रोथ आने लग गया है अभी इस सेक्टर में, और जो ट्रफ था वो हो गया, वर्स्ट क्वार्टर आपका निकल गया और अभी से यहाँ से ग्रोथ दिख रही है। और अब दूसरा देखिए कि वैल्यूएशन भी जो है वो प्रॉब्ली उनके हिस्टोरिक एवरेज से इतने दूर नहीं है, इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि ये एक सेक्टर है जहाँ पे आपको एक कंफर्ट दिख सकता है, ग्रोथ दिख सकता है। और दूसरा जो हमें सेक्टर जो पहले से ही पसंद है, ये एक नया सेक्टर है जो हमने ढूंढा है, जो जहाँ पे आप देखेंगे हमारा वेट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है उस सेक्टर में। दूसरा जो सेक्टर हमें पहले से पसंद है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग बहरहाल एक बैकसीट लिया हुआ है आज की तारीख में, लेकिन हमें लगता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट्स चालू होंगे, आरबीआई इन्फ्यूज करेगा लिक्विडिटी सिस्टम में, तो आपको देखिए वहां पे भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा बैंकिंग में, लेकिन नॉन लेंडर्स में तो काफी हमें गर्मी दिख रही है। तो फाइनेंशियल्स पर भी रखनी है नज़र और साथ ही आईटी स्पेस पर भी जो है अब व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है। पर साथ ही दिनशा सर, फार्मा सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन हमने देखा, हालांकि फार्मा के जो फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं वो इंटैक्ट हैं, पर ऐसे में किस तरीके से आप इस थीम को कैच कर रहे हैं? क्योंकि देखिए निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा
कई दिनों से लगातार ऑल टाइम हाई अपने रीटेस्ट कर रहे हैं, पर फार्मा एज अ स्पेस काफ़ी ब्रॉड बन गया है, और पिछले क्वार्टर में ही अगर मैं कुछ CDMO API प्लेयर्स की बात करूं तो उनमें फिर से इन्वेस्टर इंटरेस्ट आते हुए दिखा है। फिलहाल फार्मा में क्या सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है, या फिर एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स पे भी आप अच्छी तरीके से बेट कर सकते हैं? एक्चुअली फार्म में शक्ति जी, पहले से ही हमें ऐसे लगता था कि एक आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि पॉकेट्स काफ़ी हैं। आप जो US फेसिंग कंपनीज है वगैरह वो सब भी हैं, API मैन्युफैक्चरर्स हैं, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर फॉर्मुलेशन कंपनीज, तो आपको काफ़ी यहाँ पे सोच समझ के एंट्री करनी पड़ती है। हमारे बहरहाल आप देखें तो हमारे पास जो फार्मा कंपनीज हैं काफ़ी अतरंगी सी हैं। इनफैक्ट एक MNC फार्मा कंपनी ली है जो हमने जो हम पहले से ली हुई है, पर उसमें हमें ये लग रहा है कि और काफ़ी अच्छा भी फॉर्म किया हुआ MNC फार्मा कंपनी, और मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो दिख जाएगा आपको उसमें, क्योंकि हमें ये लगा कि डोमेस्टिक फार्मा प्ले आपको ज़्यादा वेट देना पड़ेगा, इसलिए एक MNC फार्मा लिया हमने। और जो अपना एक्सपोजर बढ़ा रहा था इंडिया में बाय वे ऑफ वैक्सीन वगैरह, नए नए वैक्सीन लॉन्च कर रहे हैं वो जो ग्लोबली प्रेजेंट है, और दूसरा हमने एक डोमेस्टिक प्ले लिया था जो पी मैनेज कंपनी है वो हमने लिए है, और CDMO में भी हमारा एक्सपोजर है थ्रू वेरी नीश प्लेयर CDMO स्पेस में। फिर एक जो ब्लेंडेड कंपनी है जो बाहर भी है और इंडिया में भी है, उसमें भी काफी बड़ी कंपनी है, उसमें भी हमारा स्टेक है। तो आपको अब हमारे पोर्टफोलियो में रन ऑफ द मिल्स कंपनियां देखेंगे क्योंकि रेगुलेटरी एक्शन वहां पे काफी हद तक सीवियर रहता है, इसलिए आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि दो वही कंपनी देखिए जहाँ पे रेगुलेटरी एक्शन कभी हुआ नहीं है लाइफ में और लग नहीं रहा कि होगा, रेगुलर जो करते रहते हैं उनसे दूर रहिएगा। तो वो ही हमारी एक्सपीरियंस हमें बताया है। और इनफैक्ट एक और जो यूनिक कंपनी हमने ली है वो प्लेटफॉर्म कंपनी है फार्मा स्पेस में, वो भी हमें काफ़ी पसंद है, वेरी यूनिक मॉडल, ग्लोबली प्रेजेंट है वो कंपनी और इंडिया में तो है ही है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो भी अच्छी एक ग्रोथ दिखा सकते हैं। ऑल राइट, तो फार्मा स्पेस पे तो हमने आपसे व्यू पॉइंट जाना, पर डिंजा सर, हाल फिलहाल जितनी भी न्यूएस्ट टेक कंपनीज़ हैं उनमें भी काफ़ी ट्रैक्शन है। देखिए, जोमेटो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, उसको लेकर कई सारी न्यूज़ फ्लो आती है। रिसेंटली पेटीएम को लेकर भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आना चालू हो गया है। ओला इलेक्ट्रिक का जैसे IPO आया, उसमें हालांकि वो टू व्हीलर कंपनी है, बट जिस तरीके से वो टेक फोकस्ड है, तो उस जितनी भी ये सारी कंपनीज़ हैं इनमें फिर से इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो वापस आ रहा है, डिंचो सर, इस पे आपका क्या टेक है? जी, और बिल्कुल ही जायज है ये इंटरेस्ट जो है, क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल बहुत है इन कंपनीज को ग्रो होने का। जो आपने नाम लिए कंपनियों के, मैं EV प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, EV तो अलग ही सेगमेंट हो गया ऑल टुगेदर, जहाँ मैं कंफर्ट नहीं है बाय द वे, तो मैं पहले से आप फ्रंट बता रहा हूँ। एनीवे, जो दूसरी प्लेटफॉर्म कंपनी से आप जो प्लेटफॉर्म बेसिकली उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया आपको जहाँ पे आप कन्वीनियंस आपको मिलती है, ये कन्वीनियंस एनकैशेबल होती है और मास कन्वीनियंस होती है जो इंडिया में वेरी मच अवेलेबल है। और दूसरा आपको एक देखना पड़ता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ग्लोबली इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म्स हैं कि नहीं, क्योंकि इंडिया सेंट्रिक प्लेटफॉर्म अलग से नहीं हो सकते। आपने देखा था एक कंपनी इंडिया सेंट्रिक प्लेटफॉर्म लेके आई थी लेकिन ग्लोबली इस्टेब्लिश नहीं थी, इसलिए कंपनी डिडंट डू टू वेल। तो दोज आर द थिंग्स यू वॉन्ट टू लुक फॉर। और दूसरा एक जो आखिरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि ईजिली क्या उसको रिप्लेस कर सकते हैं, रेप्लीकेबल है कि नहीं वो मॉडल, कोई आर आके एस्टैब्लिश कर दे वैसा मॉडल ना होना चाहिए। इसलिए हमें तो बड़े सिलेक्टिव हैं हम इसमें। आपने जो दो कंपनियों का नाम लिया पहले प्लेटफॉर्म कंपनी, वो हमारे पास बिल्कुल है, और इनफैक्ट जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली प्लेटफॉर्म कंपनी है उसमें तो हमने ऐड करना भी चालू किया वापस अगेन। पहली वाली जो फूड डिलीवरी वाली वो तो पहले से हमारे चाहिए है, पर ये वाली हमने थोड़ी होल्ड बैक की थी फाइनेंशियल सर्विसेज की, रेगुलेटरी एक्शन था, बट ऑफ लेट जो भी साउंड बाइट्स आ रहे हैं वो लग रहा है कि रेगुलेटरी एक्शन थोड़ा बेनाइन हो गया वहाँ पे और थोड़ा बेनेवोलेंट भी हो गया, तो इसलिए वो कंपनी ज़्यादा पसंद है। इंशा सर, आप नाम नहीं ले रहे हैं, पर मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देती हूँ कि वो पेटीएम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर उन्होंने ज़रूर बढ़ाया। पर डिंजा सर, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ पे कंफर्ट आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि कई सारे देखिए ऐसी थीम्स हैं, हालांकि उनमें आप मल्टी ईयर ट्रेंड पकड़े या मल्टी ईयर स्टोरी पकड़े, डिफेंस और रेलवेज़, वहाँ पर अच्छा सबका यही व्यू आता है कि आपको ये थीम्स लंबे समय के लिए होल्ड करनी है, पर स्टॉक में करेक्शन भी फिलहाल हम देख रहे हैं। ऐसे में एज अ रिटेल इन्वेस्टर, कहाँ
कहाँ पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है? जी देखिए, हमने तो फ्रैंकली आई मीन बजट के मूविंग इनटू द बजट हमने एक्सपोजर कम किया था, काफ़ी एक्सपोजर कम किया था हमारे पीएसयू स्पेस में। डिफेंस भी थोड़ा चॉप ऑफ किया था हमने। रेलवेज की हमारे पास एक ही कंपनी थी जो टूरिज्म में थी, वो भी हमने निकाल दी थी। तो हमें और फ्रैंकली आई मीन बजट में कोई सपोर्ट नहीं था ज़्यादा इनको लेके, तो इसलिए वो ठीक ही रहा। और दूसरा आप ये देखिए कि जैसे आप अगला सवाल आप ये पूछेंगे डिफेंस क्यों रखा फिर आपने, अगर जो आपको कंफर्ट नहीं था तो डिफेंस का तो स्टोरी अलग ही होने वाला है इंडिया में। हमारा जो जो जबकि वेट हमने कम किया है, लेकिन हमें क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच है इसलिए वेट कम किया है। लेकिन आप देखें अगर जो लंबे अरसे तक उसको लॉन्ग टर्म देखें तो हमें यही लगता है कि यहाँ पे इंडिया एक सोर्सिंग बेस बन सकता है ग्लोबली। तो इसलिए हमें सिर्फ वो टेक सेवी जो डिफेंस कंपनीज है वही पसंद है ज़्यादा, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं है ये सब। एविएशन में एक कंपनी, एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करती है, तो ये सब कंपनी हमें ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने थोड़ा वेट रखा हुआ है वहाँ पे। ऑब्वियसली वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आता है। और दूसरा जो आपने बोला कि और कोई सेक्टर जहाँ पे आपको वैल्यूएशन ज़रा स्ट्रेच लग रहे हैं, हमें लग रहा है कि काफ़ी सेफ्टी सेफ्टी बोल के एफएमसीजी के जो वैल्यूएशन जो बढ़ गए हैं वो बिल्कुल भी फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करने वाले हैं आगे चल के भी, इसलिए हमें वहाँ पे कंफर्ट नहीं है। दूसरा हमें पेंट कंपनीज वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है वहाँ पे, पास आउट नहीं हो रहे हैं, मार्जिन्स कट रहे हैं, तो ये सब पॉकेट्स हैं जहाँ पे हमें कंफर्ट बिल्कुल नहीं है। ऑल राइट दिनशा सर, थैंक यू सो मच आज अपना समय देने के लिए, और साथ ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आपसे एफएमसीजी पे टेक जानना, क्योंकि बजट के बाद देखिए कंसेंसस थीम सी बनती हुई दिख रही थी कि एफएमसीजी एज अ बास्केट आपको इंक्लूड करना चाहिए। पर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टेक, और ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। धन्यवाद।